मित्रों, अब हम कर्क लगन व कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क लगन वालों को क्या चीज, कर्क लगन वालों को कौन सा रत्न सूट करेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए मित्रों, जिन लोगों का नाम मेरा चार नंबर राशि के सामने उंगली है, अर्थात ये इसके सामने उनके वर्ड्स लिखे हुए हैं। कर्क राशि के जो जो वर्ड्स होते हैं वो हमने लिखे हुए हैं, ही, हु, हे, हो, डा, डू, डे, डो। ये वर्ड्स कर्क राशि के होते हैं, अर्थात जिनका नाम इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है उनकी कर्क राशि होती है। और जो लोग आप अपनी जन्म कुंडलियां देख सकते हैं, आप उसमें फर्स्ट पेपर पे लगन कुंडली देख सकेंगे। लगन कुंडली के अंदर यहाँ चार नंबर अगर पड़ा हुआ है तो वो आपकी कर्क लगन कहलाएगी, अर्थात कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए कौन सा जेमस्टोन अधिक सूट करता है। मित्रों, आप देखेंगे कर्क लगन वालों के लिए मंगल अर्थात आठ नंबर राशि त्रिकोण में पड़ी हुई है और व्यापार स्थान की स्वामी है, अर्थात आपको मूंगा बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। आप रेड कोरल भी डाल सकते हैं जो आपको विशेष बेनिफिट दिलाएगा। इसी प्रकार धन लाभ के लिए आप देखेंगे मुख्य रूप से जिन व्यक्तियों को धन से रिलेटेड इशू है, यदि उनकी कर्क राशि है तो वो रूबी अर्थात मानिक उनके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। बेशक चाहे वो मारक स्थान का स्वामी हो, इससे बेटर फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो भाव धन का है, आपकी धन की इंक्रीमेंट्स को बढ़ाएगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि कुछ लोग रूबी नहीं पहनना चाहें तो वो लोग हीरा या ओपल भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लाभ भाव का स्वामी शुक्र है और चौथे भाव में उसकी दूसरी राशि पड़ी है, अर्थात ये कोई ज्यादा अशुभ योग नहीं कहलाएगा। आप कर्क लगन वालों के लिए शुक्र ओवरऑल लाभ भाव का स्थान का स्वामी है, तो यहां पर आप हीरा या ओपल भी पहन सकते हैं।